हर आदमी को देखा जाता है कि किसी न किसी तरीके से वो दुखी है, किसी न किसी वजह से वह दुखी है। कारण यही है कि उनके मन में ये समाया है कि मैं मर जाऊंगा। साहब कहते हैं, यदि तुम यह सोचते हो कि मर जाऊंगा, अमृत पियो, क्यों मरोगे? जो अमृत पीता है वो मरता नहीं है, जो विष पीता है वही मरता है। आज तक दुनिया में सब यही जाने हैं, जो विष पीता है वो मरता है, जो अमृत पीता है वो नहीं मरता है, अमर हो जाता है। सब कहते हैं अमृत पियो, क्यों विष पीते हो? संसार में आए हो और डर लगा हुआ है। कारण है डर का कि तुम विष पी रहे हो, इसीलिए डर समाया है। विष को पीना छोड़ो और अमृत को पीना आरंभ करो। अर्थात इंद्रियों के विषय भोग में लिप्त होना बंद करो और इंद्रियों से ऊपर उठ करके साधना अपनाओ और आत्म आनंद का पान करो। आत्मा आनंद ही अमृत पीना है। आत्मा में आनंद, अपने में आनंद, स्व में आनंद, इस आनंद को जो आदमी लेना आरंभ करता है वह अमर हो जाता है, वही अमृत को पीता है। साहब कहते हैं रे मर जीवा अमृत पीवा, क्या दसी वर्ष पता है? क्यों पताप में धस करके मर रहे हो? ये भव संसार में, भव मन संसार, संसार में धस करके मर रहे हो, विषय भोगों में धस करके मर रहे हो, कीचड़ में डूब करके, और सोचते हो कि हमें कोई निकाले, कोई निकालने वाला नहीं, खुद निकलना पड़े। ये संसार ऐसा एक कीचड़ है, इससे खुद निकलना पड़ता है, कोई निकालता नहीं। हाँ सहारा चाहिए, ज्ञान चाहिए निकलने के लिए। वो ज्ञान देने वाले संत गुरुजन है, सच्चे संत है, विवेकी संत है, पारखी संत है। पारखी अर्थात जो परखने वाले हैं, तत्वदर्शी हैं। इनके ज्ञान का सहयोग लो और बल अपनाओ और निकलो कीचड़ से, अमृत का पान करो, विष को पीना छोड़ो। अर्थात इंद्रियों के पीछे भागना बंद करो और आत्मा के पीछे भागो। वो इंद्रियां कौन सी हैं जिनके पीछे हम सभी लगे हैं, दुनिया के सभी लोग लगे हैं? वो इंद्रियां हैं आंख, वो इंद्रियां हैं कान, वो इंद्रियां हैं जीवा, वो है नाक, वो है चाम। इसको ज्ञान इंद्रियां भी कहते हैं। आंख से रूप का ज्ञान होता है, कान से शब्द का ज्ञान होता है, नाक से सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है, जीवा से खट्टा मीठा चरपड़ा का ज्ञान होता है, चाम से लरम गरम कठोर का ज्ञान होता है। इसलिए इसको ज्ञान इंद्रियां कहा गया है। हम संसार में जहां भी फंसते हैं वो इन इंद्रियों के ही फंसाव है। इन इंद्रियों से भी हमारा जीवन सुखमय बनता है और दुखमय बनता है। हम इनके पीछे भागे चले जाते हैं तो हमारा जीवन आनंद से भागा चला जाता है, आनंद छूट जाता है, सुख छूट जाता है और दुख पीछे पीछे आना शुरू करता है और हमारे जीवन में केवल चिंता क्लेश आना शुरू हो जाता है। तो साहब कहते हैं कि ऐसा पान ही क्यों करो जिससे तुम्हें मरना पड़े, ऐसा पान करो जिससे तुम्हें मरना ना पड़े। सब दिन जिंदा रहो, सब दिन जिंदा रहने के लिए एक ही उपाय है,
कि ध्यान करो, साधना करो, संयम बरतो और इंद्रियों के पीछे भागना बंद करो। हम मास्क लगाते हैं, क्यों लगाते? डर है कि मुझे भी कोरोना ना पकड़े। डर कहें हम एक दूसरे का हाथ ना छूलें, एक दूसरे के सांस मेरे सांस से ना टकरा जाए, अनेक तरह के हमें शंका है। ये सावधानी है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सावधानी केवल एक तरफ से नहीं होनी चाहिए, दसों दिशाओं से सावधानी होनी चाहिए। सावधानी आगे, सावधानी पीछे, सावधानी बाएं, सावधानी दाएं, सावधानी ऊपर, सावधानी नीचे, सब तरफ से सावधानी। फाम आगे, फाम पीछे, फाम दाएनी बेरी, फाम पर जो फाम करे सोई फाम आए बेरी। जो सावधानी पर भी सावधानी बरतता है वही सावधानी सदगुरु कबीर साहब की। जो सभी सावधानियों पर भी सावधान रहता है ऐसे सावधान रहने वाले व्यक्ति सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को मानने वाले और उनके ज्ञान पर चलने वाले। और जो सदगुरु कबीर साहब के पारख ज्ञान को लेकर के चलता है वह आदमी अमर हो जाता है, मरता नहीं। उसे ज्ञान हो जाता है क्या मरता है क्या नहीं मरता है, किनसे छूटना होता है किनसे छूटना नहीं होता है। ये ज्ञान उनको हो जाता है जो सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान में जीना आरंभ कर देता है। इसलिए हम सभी ऐसा मार्ग अपनाएं, हम ऐसे जीवन को जीना आरंभ करें कि हमें विषपान ना करना पड़े, केवल अमृत ही पान करें। वह मार्ग एक ही है कि साधना और संयम। साधना और संयम युक्त हमारा जीवन अमृत जीवन होता है। और अमृत जीवन हर आदमी का है। अंतर इतना है कि मार्ग बदल लिया है, रास्ता बदल लिया है, जिसके परिणाम में केवल दुख ही दुख है और मरने का डर ही डर है। मरने का डर, मरने का डर इसलिए है यदि मर जाऊंगा तो संसार का क्या सुख भोगूंगा, यूं ही छूट जाएगा। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मरना ही बंद कर दो, ये डर ही हो समाप्त कर दो। वो समाप्त करने का एक ही तरीका है, अपने में लौटना, आत्मा में लौटना, साधना में आना, साधना में जीवन जीना, इंद्रियों से ऊपर उठना, इंद्रियों के आसक्ति से हट करके अनासक्ति जीवन को अपनाना, यही युक्ति है अमर होने। यू तो कोरोना बहुत दिनों से इसकी चर्चा है। शिव पुराण में आप देखेंगे जो कि हजारों वर्ष पूर्व एक ग्रंथ बना है, उसमें कोरोना की चर्चा है। वो आया कैसे? उसके अनुसार, शिव पुराण के अनुसार कि मांसाहार से उत्पन्न हुआ है कोरोना, मांसाहार से उत्पन्न हुआ। और सबसे ज्यादा मांसाहार के प्रेमी चीन में हुआ, जिसके चलते वहां से कोरोना आरंभ हुआ। और रामायण के अनुसार वो कहते चमगादड़ से हुआ। रामायण के अनुसार चमगादड़ और शिव पुराण के अनुसार मांसाहार से। सबसे ज्यादा मांसाहार करने वाले चीन में हुए। बहुत कम ही ऐसे प्राणी का जीवन रहा होगा जो वहां के लोग नहीं खाते।
बहुत कम। मक्खर से लेकर ढीला तक, ढीला से लेकर पिल्लू तक, आकाश में रेंगने वाले, जमीन पर रेंगने वाले, जमीन के नीचे रहने वाले, हवा में उड़ने वाले जितने भी शरीरधारी जीव हैं, सबके शरीर का यदि पान कोई किया है, वो चीन देश के लोगों ने पान किया। भुजिया बना करके, सब्जी बना करके, दाल बना करके, पका करके, चोखा बना करके, न जाने किन किन तरीके से इन शरीरों को उन्होंने ग्रहण किया, जिसके चलते कोरोना महामारी का रूप लिया, अछुआछूत बीमारी। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सावधानी बरते हैं और साधना करें। बाहर से सुख के लिए सावधानी, अंदर आनंद के लिए साधना। अंदर में हम अमन चैन से जिए और आनंद से जिए, उसके लिए साधना है, और बाहर से सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उसके लिए पवित्रता है, संयम। वस्त्र पवित्र, भोजन पवित्र, घर पवित्र, वासन पवित्र, सब पवित्र हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, और साथ साथ मन भी निर्मल हो, मन भी साफ हो, मन भी पवित्र हो। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, निर्मल मन हो तो रघुनायक शिविरी के घर आते, सूर्य शाम के बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। जिनका मन निर्मल हो जाता है, उसके यहां परमात्मा ही नहीं बल्कि उनका आत्मा ही परमात्मा होगा। जिसका मन निर्मल होगा, मन पवित्र होगा, मन स्वच्छ होगा, मन साफ होगा, उन्हें परमात्मा खोजने की जरूरत नहीं, मिला मिलाया परमात्मा का ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। तो हम सभी अपने जीवन को ऐसे बनाएं, हमारा जीवन निर्मल हो, वस्त्र निर्मल हो, मन निर्मल हो, साधना शुद्ध हो, और भोजन पवित्र हो, रहन सहन बढ़िया हो, बोली व्यवहार बढ़िया हो, हर तरफ हम निर्मल 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 ही रहें, हर तरफ से स्वच्छता ही बरतें, हर तरफ हमारा जीवन पवित्र ही पवित्र हो हर तरफ से। तो साहब कहते हैं, जो सावधानी में जीते हैं वही साधक है, वही सज्जन है, वही अमरता को प्राप्त करते हैं। तो ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए, पूज्य श्री साहब जी का आगमन होने वाला है, उनके कल्याण का विचार। उनके कल्याणकारी विचार हम सभी सुनेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। जितना जीवन में उतरेगा उतना हमारा जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा। बुजुर्ग संतों के अनुभव वाणी होती है, वो अनुभव वाणी हमारे जीवन के अमृत वाणी होती है। उस अमृत वाणी को हम अपने जीवन में यदि उतारते हैं तो जरूर हम सभी अमर हो सकते हैं, इसमें कतई संदेह नहीं है। तो मैंने एक साथी पर थोड़ी चर्चा की कि रे मर जीवा अमृत पीवा, कांध सिमर से पतार, गुरु की दया साधु की संगति, निकस आओ यही द्वार। आई इन्हीं शब्दों के साथ देता हूँ अपनी वाणी को विराम। सभी घट में मैया राम को करता हूँ प्रणाम। बोलिए प्रेम से सतगुरु देव की जय। आदरणीय साधु संत श्री अखंड स्वरूप साहब जी का विचार सुन रहे थे। जीवन में